नेशनल खबर और नेशनल हेल्थ के दर्शकों के लिए एक खास मेरा मैसेज, आप इस दोनों चैनल के माध्यम से मेरे वीडियोस आप देख रहे होंगे, नए नए जो टेक्निक्स हैं वो आप सीख रहे होंगे, एक चीज़ करना भूल जाते होंगे कि वो ये है सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो मेरे नए टेक्निक्स हैं, नए वीडियोस हैं, वो राइट टाइम पे आप तक पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे। सबसे पहले हमारे टेक्निक्स नेशनल खबर नेशनल हेल्थ में आते हैं और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप तक भी पहले पहुँचे। वो सही तरीका ये है कि आप सब्सक्राइब करें ये दोनों चैनल्स को। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। तो अभी मेरे साथ जो है बॉलीवुड की सुपर कॉमेडियन भारती सिंह जी की मॉम यहाँ पर मौजूद हैं और जाने माने आचार्य मनीष जी भी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले मैम, आपको जो भी प्रॉब्लम थी अभी फ़िलहाल कैसे लग रहा है, फिर मैं सर से पूछूंगी अभी कैसा महसूस हो रहा है। अभी तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, अभी तो एक घर भाग जाओ, घर भाग जाओ, क्योंकि अच्छी हो गई ना। पहले बहुत बीमार थी, चल नहीं सकती थी, पकड़ के लाते थे। अच्छा, अब तो ऐसा है कि अपने आप ही चल लेती हूँ। अच्छा, अब बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरी जिंदगी दे दी इन्होंने हमें, दूसरी जिंदगी दे दी। आपको प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम मेरे की किडनी की थी। किडनी की? डॉक्टर ने इनको किडनी डायलिसिस बता दिया था और ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया था। ये हॉस्पिटल में एडमिट थी, हम एडमिट हॉस्पिटल से निकाल के लाए हैं। वहाँ इनका फिस्टूला बनने की तैयारी थी, डॉक्टर ने बोला था डायलिसिस शुरू कर दो, क्योंकि पैर सूज चुके थे, हाथ सूज चुके थे, फिर चेहरा सूज चुका था, सांस फूल रही थी, बॉडी में फ्लूड भर गया था, चला नहीं जा रहा था। ये वहाँ से निकल के आई हैं, ये इनकी भी इच्छा शक्ति है जो ये ठीक हुई हैं, प्लस भारती की भी हिम्मत है जो इनको वहाँ से निकाल के आई है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने भारती से पिछले एक इंटरव्यू पूछा भी था कि भारती हॉस्पिटल में कितने पैसे लग गए सीखे, कहते लाख रुपये लग गए सीखे। तो फिलहाल आपका यहाँ का क्या एक्सपीरियंस है, हिम्स में आप यहाँ मौजूद हैं? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं सबको यही कहूँगी कि आप हिम्स में आओ और अपनी ज़िंदगी बचाओ। अच्छा, कितने समय से आपको ये प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे आपने बताया कि किडनी की भी प्रॉब्लम थी? तो समय तो ये नहीं, इस वक्त 5-6 साल हो गए, पता नहीं लगा हमें। हम क्या वैसे ही सूझते हैं ये पैर, पर ये तो बाद में जब डॉक्टर के पास गए, चेकअप करवाया, उसने बताया कि आपकी कितनी डैमेज होगी हुई है। अच्छा। वो काम नहीं कर रही। तब हमें पता लगा। अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर एक दिन हम यूट्यूब ने हमने देखा आचार्य। अच्छा। साहब को। अच्छा। फिर इनसे तुरंत हमने बात की, जबकि ये बाहर थे। अच्छा अच्छा अच्छा। वहाँ से लंदन था, लंदन था, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैंने मेरी टीम की ड्यूटी लगा दी, आप पहुँचो वहाँ पे। अच्छा, एक और बताओ, आपको शुगर कितने साल से थी? शुगर तो हो गए 30 साल हो गए। 30 साल। इंसुलिन लगा रहे थे? पूछो। हाँ, इंसुलिन लगा रही थी। कितने यूनिट ले रहे थे जब आप हमारे पास आए थे? 7। 60 यूनिट? 7 सुबह, 7 दोपहर को। 7 सुबह, 7 दोपहर को, 14, 7 रात को। अच्छा, मुझे ये बताओ कितने दिन में इंसुलिन बंद हो गई थी? 4 दिन में। 4 दिन में इंसुलिन इनकी बंद हो गई और आज 2.5 महीने हो गए, एक भी बूंद, एक भी यूनिट इंसुलिन इनकी बॉडी में नहीं गई, ना कोई शुगर की गोली, ना कोई बीपी की गोली। और जब ये हमारे पास आई थी 24 गोलियां, इतना बड़ा पैकेट था पूरा एलोपैथिक मॉडर्न दवाइयों का, और आज उनमें से एक भी गोली ये नहीं ले रही हैं, सिर्फ अपने खाने पीने से, लाइफस्टाइल से, इच्छा शक्ति से, नंगे पांव घास पे घूम के, लिविंग वाटर से अपने आप को इन्होंने रिजुनवेट किया। बिल्कुल बिल्कुल। और फिलहाल जो है यहाँ पर ये एक मिरेकल ही कह सकते हैं कि किसी पेशेंट को हॉस्पिटल से उठा के लाना और पूरी कंडीशन को ही चेंज कर देना, एक तरीके से चमत्कार हो गया। चमत्कार हमारे लिए तो बहुत बड़ा चमत्कार किया इन्होंने। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे इस पे सर? देखिए, हमें तो पता था हो सकता है, ये विश्वास इनका था और भारती का था, भारती के हस्बैंड का था कि हाँ चलो, क्योंकि इधर डायलिसिस शुरू हो गया तो बाद में छुड़ाना मुश्किल है, तो डायलिसिस शुरू होने से पहले ही इन्होंने एकदम कदम उठाया और हिम्मत रखी, हमारे नवी मुंबई हॉस्पिटल में गए, वहाँ इन्होंने डॉक्टर से बात करी, वहाँ से इन्होंने मेरा नंबर लिया, मेरा नंबर लेके इन्होंने बात करी, तो मैंने बोला इनको आप मेरे दिल्ली वाले, मेरठ वाले में ले आओ। ये अगर आप देखोगे जो हमें इंटरव्यू भी कर रहे हैं, तो ये पूरा रिफ्लेक्सोलॉजी ट्रैक है, आप देखो ये ट्रैक्स बने हुए हैं, इन ट्रैक में अलग अलग पत्थर हैं, गर्म ठंडा पानी होता है, इसमें चलना होता है, ये हमारे हिम्स हॉस्पिटल में ये ट्रैक बना हुआ है। बेसिकली हम करते क्या है, हमारी सारी थेरेपी सब नेचुरल है, खाने में इनको जो पीने में इनको जूस मिलता है उसमें चुकंदर होती है। अच्छा। हल्दी होती है, आंवला होता है, कड़ी पत्ता होता है, पुदीना धनिया होता है, पालक होती है, ये सब के जूसेस पीते हैं। अच्छा। नारियल पानी पीते हैं, अभी मैंने इनको नारियल पानी पूछा, कहते नारियल पानी से तो किडनी का प्रॉब्लम होती है, मैंने सामने बैठ के पिलाया, शुगर बढ़ता है, अभी इन्होंने पिलाया हमको, मैंने सामने बैठ के पिलाया, पहले हम डर के मारे पीते ही नहीं थे। अच्छा, आपने कल आम खाया? अभी खाया, अभी खाया ना, कल नहीं खाया। जबकि आम से लोग बोलते हैं शुगर बढ़ती है, हम तो खुद आपको आम खिला रहे हैं,
हम केला खिलाते हैं यहाँ पे, मतलब हमारा हॉस्पिटल जो है बेसिकली इट्स नॉट ए हॉस्पिटल, इट्स ए होलिस्टिक सेंटर, इट्स ए हीलिंग सेंटर, कि जहाँ बॉडी खुद अपने आप को हील करती है, खुद अपने आप को रिजनरेट करती है, रिपेयर करती है। आप पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं, पूरे जो किडनी फेल के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ टाइप 1 इंसुलिन के पेशेंट हैं, बीपी के पेशेंट हैं, सब आपको देख रहे हैं। आपकी उम्र कितनी है? 58। क्या कहना चाहोगे आप देश के लोगों को? मैं देश के ये लोगों को कहना चाहूँगी, जिनकी भी किडनी वैसे है, ख़राब है, बीमार है, वो हिम्स में आएँ और अपनी ज़िंदगी बचाएँ। ये एक बहुत बड़ी बात कही है कि इतने सालों से प्रॉब्लम चल रही थी किडनी की और इंसुलिन लेना, और वो अभी आकर पूरी तरीके से बंद हो जाना एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में ही। तो सर आप क्या कहेंगे लोगों से? मैम का तो मैंने जो मैसेज था वो तो दे दिया, आपका क्या कहना? मैं बोलना चाहूँगा, जब ये आई थी इनका क्रिएटिनिन, जो किडनी के पेशेंट को टेंशन दे, क्रिएटिनिन, इनका क्रिएटिनिन 10.5 था, जो कि अभी 5 पे आ चुका है 2.5 महीने में, ठीक है। इनकी किडनी जब आई थी DTPA स्कैन के आधार पे 6% काम कर रही थी, जो कि हमने 1.5 महीना पहले टेस्ट करवाया था तो 11% हो चुकी है, यानी कि किडनी भी ग्रो कर रही है वापस, किडनी की फिल्ट्रेशन प्रणाली भी वापस बढ़ रही है। और अब आप देखो किसी पैर में, किसी हाथ में कहीं कोई सूजन नहीं है, ना कोई चेहरे में कहीं कोई सूजन नहीं है। पहले ये चल नहीं पाती थी, व्हील चेयर से इनको थेरेपी लेने के लिए जाना पड़ता था, कमरे में थेरेपिस्ट को लेके आना पड़ता था, ये पूरा दिन लेटी रहती थी, सोई रहती थी, आलस चढ़ता था। अब ये खुद उठती हैं, खुद चलती हैं, खुद थेरेपी लेने जाती हैं, सारा दिन हमारे हॉस्पिटल में लोगों से मिलती हैं, हंसती रहती हैं, खुद भी हंसती हैं, लोगों को भी हंसाती हैं, और अपने आप को भी ठीक कर रही हैं, लोगों को भी ठीक कर रही हैं। बिल्कुल, मनोबल इनका बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, और इनको देख कर हमारे ही कपिल शर्मा के शो में एक राजीव ठाकुर कॉमेडियन आते हैं, उनके पापा की भी किडनी फेल हो गई थी, जो कि उनका क्रेट भी 9.5 पहुंच गया था। इनका विश्वास देखकर वो इनके घर पे आए पूछ के, अब राजीव ठाकुर के मम्मी पापा भी इसी हॉस्पिटल में पिछले 19 दिन से एडमिट हैं, और उनको भी बहुत अच्छा रिलीफ है। और ऐसे कई पेशेंट्स आंटी से मिलके, मैं तो मम्मी बोलता हूँ, इनसे मिलकर अपने आप को रिकवर कर चुके हैं, अपने आप को ठीक कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, भारती ने भी पिछले कुछ टाइम में 16 किलो वजन कम कर लिया है। भारती की पूरी फैमिली, भारती की बड़ी बहन, इनकी बेटी, उन सब ने भी अपने आप को रिजल्ट लिया, उनको भी, वो सब भी इस डाइट को, इस लाइफस्टाइल को अपना रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत थैंक यू सो मच मैम, धन्यवाद। तो ये थी मेरे साथ अभी भारती सिंह जी की मॉम और आचार्य मनीष जी, जिनकी बातें आपने सुनी कि कैसे जो प्रॉब्लम से वो जूझ रही थी इतने दिनों से, वो अभी रिकवर हो चुका है। इस तरीके की और खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए। नेशनल खबर और नेशनल हेल्थ के दर्शकों के लिए एक खास मेरा मैसेज, आप इस दोनों चैनल के माध्यम से मेरे वीडियोज़ आप देख रहे होंगे, नए नए जो टेक्निक्स हैं वो आप सीख रहे होंगे, एक चीज़ करना भूल जाते होंगे कि वो ये है कि सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो मेरे नए टेक्निक्स हैं, नए वीडियोस हैं, वो राइट टाइम पे आप तक पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे। सबसे पहले हमारे टेक्निक्स नेशनल खबर, नेशनल हेल्थ में आते हैं, और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप तक भी पहले पहुँचे। वो सही तरीका ये है कि आप सब्सक्राइब करें ये दोनों चैनल्स को। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।